को बता दें कि चंद्रबाबू नायडू पीयूष गोयल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पीयूष गोयल के घर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू और नई सरकार में क्या भूमिका होगी, इसी को लेकर चर्चा होनी है। यानी बातचीत का सिलसिला देखिए कैसे बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ। अभी की बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, पीयूष गोयल के घर पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं अभी मेरी पास जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार पीयूष गोयल के घर पहुंच गए हैं चंद्रबाबू नायडू। देखिए, वो दोनों लोग पहले से ही बहुत पुराने दोस्त हैं और अच्छे हमेशा आना जाना उनका रहता है, लेकिन इस समय ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पीयूष गोयल इस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं हमेशा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कोऑर्डिनेशन का काम वो हमेशा करते हैं, पॉलिटिकल लाइजन, यानी कि दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता, अपने बड़े नेता की बात को दूसरे के पास रखना, पहुंचाना और निगोशिएशन के काम में पीयूष गोयल काफ़ी माहिर नेता माने जाते हैं। तो इस मुलाकात को भी इस तरह से लेना चाहिए कि आज की एनडीए की बैठक के बाद सीधा नायडू का पीयूष गोयल के घर पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब इस सरकार का हिस्सा होने वाले हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टेक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीयूष गोयल और सरकार और चंद्रबाबू नायडू के बीच की मध्यस्थता कर सकते हैं, उनकी बात को आगे रख सकते हैं और इस बात के लिए तैयार भी कर सकते हैं कि क्या क्या आपको दिया जाएगा। तो अभी इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। हाँ। और इस बैठक पर नजर, इस बैठक पर नजर बनाकर आप रखिए, जैसी कुछ जानकारी मिलेगी आपको हम दोबारा लौटेंगे आपका आपके पास। लेकिन अंकित गुप्ता के पास अब मैं जाना चाहूंगा, राष्ट्रपति भवन से हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, तो थोड़ी देर पहले जो खबर आई कि अब 7 तारीख को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे, मतलब आज अब वहां कोई नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अखिलेश, सबके बीच में एक और डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर सिक्योरिटी ने तमाम जो लोग जो इस वक्त जो है राष्ट्रपति भवन के ये रायसीना जो रोड पर मौजूद थे सबको हटा दिया है और बताया ये गया है कि प्रधानमंत्री का रूट लग रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर रूट लग गया है और पूरा रास्ता खाली करवा दिया गया है। यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आएंगे, या फिर कुछ देर बाद, जिसका कुछ देर पहले हम मैंने जानकारी भी दी थी कि यहाँ पर आज जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि मोदी सरकार 2 के जो तमाम मंत्री हैं उनका एक विदाई डिनर भी रखा गया है राष्ट्रपति भवन में, उसके लिए आने वाले हैं। इस बात को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ, यहां पर अलर्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री का रूट लग रहा है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन कुछ देर में पहुंच सकते हैं। जी ठीक है अंकित, अब जरा अभिषेक उपाध्याय के पास में चलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक। अभिषेक, चंद्रबाबू नायडू और पीयूष गोयल के बीच मुलाकात हो रही है, नीतीश कुमार के साथ भी क्या इसी तरह की कोई बैठक शुरू हो गई होगी, कुछ और जानकारी आपके पास है, कुछ अपडेट? देखिए, जो अभी औपचारिक बैठक है जो चंद्रबाबू नायडू पीयूष गोयल के बीच होने की बात अभी सामने आई है, वो एक पहलू है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बैठकों का ये जो सिलसिला है, इससे जुड़े हुए जो मसले हैं, वो ऐसा नहीं है कि अभी कोई उसकी शुरुआत हो रही है। बैकडोर चैनल पर ये बातचीत चल रही थी, उसको फॉर्मलाइज करना है, तो फॉर्मलाइज करने के लिए बातचीत चल रही है अभी। और नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, उनसे भी बात चल रही है। अब उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर अभी सामने नहीं आ सका है, लेकिन और सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, बल्कि एनडीए में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा मिनिस्ट्रियल पोजिशन का, उसको लेकर के पूरा खांचा उसका तैयार हो रहा है। और उसमें जो एनडीए के अहम घटक दल हैं, जो एनडीए की जो ग्रुप मीटिंग होगी 7 तारीख को, जो उसमें शामिल होंगे उनके जो लीडर्स हैं, उनके लीडर्स के साथ में बीजेपी के जो नेता हैं वो संपर्क में हैं और ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।